जस्ट माई फाइनल लुक। वेदर कितना कोई हसीन हो रहा है, गजब बेइज्जती है। आट के साथ गोलगप्पे की मजे ले रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल वेल वेल। सो जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम नबिया है। ओके। और मैं कुछ एक साल बाद अपने चैनल पर दोबारा एक्टिव हो रही हूँ। उसके एक्टिव होने के कुछ रीजन थे, कुछ स्टोरीज थी जो कि बिल्कुल बिला वजह की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा कवर करूंगी तो आप लोग ने अंडरस्टैंड करना है। स्टोरीज बहुत सारी हैं सुनाने के लिए, लेकिन उससे पहले फाइनली वेलकम बैक करते हैं व्लॉग विद नबिया में। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने काम करना है कि मेरा चैनल करना है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कि जब भी व्लॉग विद नबिया पे एक व्लॉग अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले आपके पास। तो यार सीन कुछ ऐसे हैं कि टाइम हो रहा है अभी 11, तो रूटीन सब सेम ही है मेरी जैसे पहले थी एक साल पहले, कि मुझे घर से रेडी होकर जाना है अपनी जॉब पर। लेकिन आज के व्लॉग में होंगी मेरी एक्टिविटीज को चेंज, क्योंकि एक साल में बहुत कुछ चेंजेस आई हैं भाई। तो आगे के व्लॉग को देखने के लिए आपने रहना है मेरे साथ साथ। सो लेट्स गो। तो भाई फाइनली मैं हो गई हूँ अब डेडी जाने के लिए, लेकिन आज का सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैंने एक शर्ट बाई की थी साना सफीनाज की, तो इसकी जस्ट शर्ट थी तो आज हमने इसका बाई करना है, साथ साथ एक ट्राउजर, तो उसको रख लेते हैं यहाँ पे। जाने के लिए मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, तो अब मिलते हैं सीधा अपनी आउटलेट में। ₹200 दे पहले मुझे। कोई तरीका है भीख मांगने का? खुले नहीं ना मेरे पास। A few moments later. Hello guys, तो दिन में कुछ ये तीसरी मरतबा मैं अपना वेलकम बैक कर रही हूँ और मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी बड़ी सी एक शानदार सी शॉप में, जो कि मेरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ काम करती हूँ। तो यहाँ की मैंने स्टार्टिंग करनी है, मतलब दिन का स्टार्ट लेना है अपना डे एंड से। तो सबसे पहले मैंने अपना डे इन करना है। डे इन का मतलब ये होता है कि मतलब मैं अपनी कंपनी में बता रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ कि यार मैं आ गई हूँ, मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं करती हूँ। तो यार ये एक नई जगह, एक नई जॉब और मेरी कुछ न्यू एक्टिविटीज़, मतलब यहाँ पे आपको पता चला है कि मैं पूरा दिन मेरी डेली रूटीन क्या है, और साथ साथ मैं अपना एक छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल भी दे दूँगी, क्योंकि लड़कियाँ मुझे करती हैं यार मैसेज, सच में करती हैं कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन बता दें या आप अपना मेकअप रूटीन बता दें, तो मैं हल्का सा वो भी आप लोग को शो करवाऊंगी। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपनी शॉप का इंट्रो देती हूँ। मैं काम करती हूँ मेकअप सिटी में। मेकअप सिटी का नाम आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, यहाँ पे आपको स्किन केयर मिल जाएगा, हेयर केयर मिल जाएगा, अपना मेकअप मिल जाएगा। मेकअप में हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना मेकअप ट्यूटोरियल दूंगी, उसके बाद पूरी शॉप के करवाऊंगी आपको विजिट कि हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट में कितनी सेल लगी हुई है। सो लेट्स गो। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरा फेस अभी आप जो देख रहे हैं वो विदाउट मेकअप है, विदाउट फिल्टर है। मेरे फेस पर कुछ भी नहीं लगा, अभी जस्ट मैंने फेस वॉश किया। तो सबसे पहले हमने मेकअप स्टार्ट करने से पहले लगाना होता है अच्छा सा मॉइस्चराइजर, उसके बाद हमने प्राइमर लगाना होगा, देन फाउंडेशन, वो मैं आपको आगे आगे बताती हूँ। सो गाइज मेकअप ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्किन पे लगाती हूँ मॉइस्चराइजर, जो कि मॉइस्चराइजर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो मैं यूज़ करती हूँ डर्मीवी का, जिसके अंदर जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, सब कुछ करता है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे ये मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद देखिए मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, जो कि आप लोग मुझसे पूछते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ मुझसे पूछती हैं कि नबिया यार आप अपनी स्किन पे क्या यूज़ करती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है। तो मॉइस्चराइजर के बाद हमने लगाना होता है हमेशा प्राइमर, तो मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ गॉश का, जो कि हमारे प्राइमर से ये होता है कि हमारी स्किन पर एक अच्छी सी लेयर आ जाती है और हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से हमारा फाउंडेशन भी एक अच्छा लुक देता है। उसके बाद मैंने लगाना है कंसीलर। कंसीलर लेना मैं भूल गई हूँ, तो अभी मैं कंसीलर लेकर आती हूँ। ओके, उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ कंसीलर, जो कि रिमल का है, ये वाला शेड, मतलब इसका फेयर पे ही जाता है, इसका नंबर मुझे याद नहीं है। तो हम सबको ही पता है कि कंसीलर जो है हम अपने डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए करते हैं। मेरे डार्क सर्कल इतने नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कैमरे में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, तो हमने इसको सबसे पहले कवर कर लेना है। Thank you.
मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ यार, बस जितना भी करती हूँ बस इतना ही करती हूँ। ये भी मैं जब से मेरा ट्रांसफर जो है एक शॉप में, मतलब मेकअप सिटी के आउटलेट में हुआ है, उसके बाद मैं अपना मेकअप ज़्यादा करने लग गई हूँ। क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि मैं हूँ एक ब्रांड एम्बेसडर, मेकअप एक्सपर्ट हूँ, तो जब तक लोग मेरी शक्ल नहीं देखेंगे कि मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, तब तक मेरा इतना अच्छी सेल नहीं होगी। तो मैं उनको और अच्छा मतलब एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैम देखिए मैंने ये चीज़ खुद अप्लाई की हुई है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो आप इसको मतलब मैं उनको इतना सेटिस्फाई करती हूँ कि वो फिर मेरी शक्ल देख के ले लेते हैं। उसके बाद मैंने लगाना है ये रिमल का फाउंडेशन है जो कि 01 नंबर है। मैं इतना हैवी फाउंडेशन नहीं लगाती जिसकी बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज हो, क्योंकि मेरी स्किन अभी बेबी स्किन है, तो मैं बहुत ज़्यादा थिन कवरेज लेती हूँ। पर अभी मैं बहुत ज़्यादा भूत लग रही होंगी। फाइनली फाउंडेशन मेरा हो गया है डन। फाउंडेशन में मैं इल्यूमिनेटर डालना भूल गई। इल्यूमिनेटर से ये होता है कि आपकी स्किन हाइड्रेट करती है, ग्लो करती है, जिससे बहुत अच्छा लुक आता है। खैर मैं ये भूल गई हूँ, तो मैं ऊपर से हाइलाइटर लगा लूंगी। आपकी सबसे पहले आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आपका हाइलाइटर आपका फाउंडेशन पप्पू लगता है। उसके बाद यार मैंने लगानी है अपनी आईब्रो पेंसिल जो कि मैं एसटी की यूज़ करती हूँ। मैं शॉप में काम करती हूँ तो यार ये सब मुझे फ्री में मिल जाता है। मुझे थोड़ी चौड़ी आईब्रोज पसंद है तो मैं अपनी आईब्रोज को थोड़ा चौड़ा वाला लुक देती हूँ। तो आईब्रोज हो गई मेरी डन। उसके बाद मुझे लगाना है आई शेडो, तो मैं यूज़ करूँगी आर्डिको का ये ब्राउन वाला शेड, क्योंकि ब्राउन शेड जो है आप हमेशा डेली वेयर पे आप यूज़ कर सकते हो। तो इतना मतलब जो लोग अपनी आईज के लिए हैवी लुक नहीं चाहते तो वो ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हैं कैथली। ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा यहाँ लगाया देन यहाँ लगाया और इसको मर्ज कर लिया इस तरह। इतना तो यार सबको ही आता होगा, हर लड़की को आता होगा, मैं पता नहीं क्यों इतना फजूल कर रही हूँ। मतलब यार मैं आप लोग से अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं मतलब डेली वे पे क्या मेकअप करती हूँ, और शॉप में हूँ तो मेकअप तो लाजमी है करना। उसके बाद गाइस मैंने यूज़ करना है मस्कारा जो कि मैं गॉश का बम्बास्टिक मस्कारा यूज़ करती हूँ। इससे आपकी लैशेस को वॉल्यूम मिलता है और ये आपकी लैशेस को लॉन्ग देता है एंड वॉल्यूम भी प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि झड़ता नहीं है मस्कारा, मुझे झड़ने वाले मस्कारे शदीद जहर लगते हैं क्योंकि उससे हमारी आईज जो है ब्लैक हो जाती है। यार ये है मेरे आईज का फाइनल लुक जो कि आप रोज़ डेली वेयर पे बना सकते हो। उसके बाद मैंने लगाना है ब्लश, तो ब्लश में यूज़ करती हूँ 0 का आइवरी शेड, ये वाला। ये है तो लिपस्टिक लेकिन मैं इसको एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक अच्छी पिगमेंट प्रोवाइड करता है मुझे, और ये ब्लश मेरा पूरा दिन चलता है। वैसे मैं एक और ब्लश यूज़ करती हूँ जो कि है आई थिंक टार्ट का, मैं खुद भी भूल गई, लेकिन वो भी बहुत अच्छा ब्लश है और इसी कलर का है। तो हमने ब्लश, मैं मतलब मुझे ब्लश कुछ ज़्यादा पसंद है ताकि मैं कुछ ज़्यादा ब्लश ही लगूँ। तो यार ब्लश मेरा लग गया है, अब बाकी है तो सिर्फ लिपस्टिक है। तो लिपस्टिक का भी मैं आपको बता दें कि मैं लिपस्टिक किस तरह लगाती हूँ और किस शेड्स में लगाती हूँ। बाकी अगर 0 का आपने पूछना है तो ये आपको सबको ही पता होगा तकरीबन कि ये नबलास का ब्रांड है। ये पूरी एक किट होती है, इसके अंदर आपको कंसीलर और फाउंडेशन, ब्लश एंड लिपस्टिक, और इसके अलावा आपको कॉम्पैक्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो मतलब ये एक आपका पॉकेट साइज मेकअप हो जाता है कि अगर आप छोटा बैग लेते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं या जॉब पे जाते हैं, जो ऑफिस वर्किंग जो लड़कियां करती हैं, क्योंकि हम तो शॉप पे काम करते हैं, हमें फ्री में सब कुछ मिल जाता है सिर्फ यहीं से यहीं पर करने के लिए। तो अगर जो ऑफिस गोइंग लड़कियाँ हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ हैं तो वो 0 मेकअप ले सकती हैं आराम से।
तो यार उसके बाद मैं यूज़ करूँगी गॉश की लिप लाइनर जो कि रेड कलर है, नहीं सॉरी मैं यूज़ करूँगी इसका एसटी का लिप लाइनर जो कि है रेड चॉकलेट, क्योंकि आज वीकेंड है तो वीकेंड पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप करना होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है वीकेंड नहीं है आज संडे है, लेकिन संडे को आप लोगों को पता है कि सबकी क्या मंडे है आज। मैं दुनिया से एक दिन पीछे चल रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आज संडे है। संडे को बेसिकली ये होता है सैटरडे संडे कि हम लोग मेकअप थोड़ा सा मतलब लिपस्टिक हम ज़्यादा लगा लेते हैं या अपना आई मेकअप ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि संडे को सब लोगों की ऑफ होती है और हमारी बदकिस्मती से बिल्कुल नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमसे टकराते हैं। तो मैंने आपको यही कहा ना कि मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारा फेस देख के और मैं सेटिस्फाई हो जाती कि नहीं यार इस पर इतना प्यारा लग रहा है तो मुझ पर कितना प्यारा लगेगा। जैसे कि हमें पता चल गया कि आज मंडे है, आज कोई वीकेंड नहीं है, तो नॉर्मल डेज में मैं बहुत ज़्यादा न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ, तो मैं लगाऊंगी गॉश की लिप लाइनर जो है हमें ज़रूरी होता है कि हमारी लिप शेड को मतलब एक कवर कर लेता है, आपकी लिपस्टिक इधर से उधर नहीं फैलती। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो न्यूड शेड में मैं यूज़ करूँगी ये वाला था, मेरे ख्याल में यही वाला था लिप लाइनर मैंने उठा लिया, और लिप लाइनर मुझे लगाना है और सबसे पहली बात के मतलब लड़कियाँ करती हैं कि अपने लिप्स को थोड़ा प्लम दिखाने के लिए थोड़ा बड़ी बड़ी आउटलाइन लगा लेती हैं, लेकिन नहीं, मेरे लिप शेड जितने हैं मुझे सिर्फ उतने ही पसंद है, तो मैं कोई ज़्यादा इसमें बड़ा छोटा नहीं करूँगी। तो ये इतनी न्यूड मैंने जो है इसकी लगा ली है गॉश की लिप लाइनर। उसके बाद मैं अभी आपको पता है कि वेदर जो है थोड़ा वैसा चल रहा है, सर्दियां चल रही हैं तो होंठ हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे, तो मैं यूज़ करूँगी ज़ीरो की ही लिपस्टिक जो कि क्रीम शेड में आती है हमारी, ये वाला शेड। ये दिखने में तो मरून टाइप है, लेकिन जब ये मैं अप्लाई करती हूँ तो ये इसका शेड बहुत ही एक प्यारा पिंक टाइप सा आता है, पिंकिश मरून समझ लें आप। मुझे इतने न्यूट कलर पसंद है, तो ये आप डेली वेयर में आप इसको आराम से वेयर कर सकते हैं, इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है और ये बहुत प्यारा सा एक क्यूट वाला लुक देती है। फाइनल ये मेरा मेकअप लुक है, मतलब ये मेरा फाइनल लुक नहीं है, मेकअप मेरा हो गया है डन। इसके अलावा अब आप देख रहे होंगे मेरा फेस कलर और गर्दन का शेड जो है थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि मैंने गर्दन पर फाउंडेशन नहीं लगाया, तो गर्दन पर मैं ये करती हूँ कि मैं ज़्यादातर जो है कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ, तो कॉम्पैक्ट मैं यूज़ करूँगी इसका एसटी का जो कि है B3। तो यार ये डुअल कॉम्पैक्ट है, इसका शेड है B3। डुअल का मतलब ये होता है कि आप अगर आपको थोड़ा फाउंडेशन लुक चाहिए तो आप इसको थोड़ा वेट करके भी लगा सकते हैं, एंड आई लव दैट, क्योंकि इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, तो आप इसको मतलब ये वही ऑफिस गोइंग के लिए और यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए होता है कि आप उसको ईजिली लगा सकते हैं, मतलब जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हैं, फाउंडेशन नहीं लगाती, ये देखिए एक फाउंडेशन लुक होता है और एक ये इसका कॉम्पैक्ट लुक होता है, तो बिल्कुल सेम आएगा। गर्दन में इसको यूज करती हूँ ज़्यादातर, आपने अपने कानों पे लगा लेना है इस तरह। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एक फ्रेश एंड क्लीन लुक देता है। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक, कोट मैंने पहन लिया है, मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया है, तो ये है मेरा मेकअप का फाइनल लुक। शूज़ मैंने पहन लिए हैं, शूज पॉलिश मैंने कर लिया है, अब इतना सब करने के बाद भाई काम भी तो करना बनता है, इसके बाद अब मुझे थोड़ा सा करना है काम, थोड़ी सी करनी है डस्टिंग, थोड़े कस्टमर देखने, अब मैं आपको मिलूंगी अपने लंच ब्रेक में। लंच ब्रेक में मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है, मुझे सदा सविनाश से जो मैंने शर्ट ली थी मुझे उसके लिए एक ट्राउज़र लेना है, उसके बाद मेरी ये वाली बात मैंने आपको कल बतानी है कल के व्लॉग में। फाइनली कुछ 3 घंटे बाद मेरा लंच ब्रेक हो चुका है, तो सबसे पहले काम मुझे ये करना है कि ये जो मेरी शर्ट है इसके लिए मुझे एक बेज कलर का ट्राउज़र सर्च करना है, जिसके लिए मुझे बराबर वाले मॉल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले मॉल में अवेलेबल है ही नहीं। तो भाई शर्ट को अब हम डाल देते हैं बैग के अंदर, इसका बैग में घर में भूल कर आ गई थी, तो लेकिन अब मेकअप सिटी का बैग हमें लेके जाना पड़ेगा। सब चलो उसके साथ करेगी, वेदर चेक करें आप, इसके वेदर कितना कोई हसीन हो रहा है भाई। मैं इस मॉल का खैर मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मॉल के अंदर मैं एंटर हो चुकी हूँ। देखें ये वाला इस कलर का चाहिए मुझे,
क्या करें, निकाल दे, हेल्प कर दे यार मेरी। अच्छा जी कर देते। ये बेज कलर चाहिए। ये बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है, मैच का बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यार पहली वाली शॉप हमने देखी, वहाँ पे हमें मिला नहीं, तो अभी हम दूसरी शॉप पर आए हैं। ये जो इसका बेज कलर है ना, ये वाला, इस शेड का ट्राउजर चाहिए। तो अंकल बहुत डार्क हो गया ना। नहीं 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 नहीं, ये वाले तो हम लोग देख कर आ गए आगे। ये जो देखें बेज कलर है ना, ये वाला बिल्कुल सेम एडिट इज ऐसे ही चाहिए। है आपके पास? वही सीन कुछ ऐसे है कि शर्ट जो है मेरी थोड़ी ब्रांडेड है, और मेरा जो ट्राउजर है मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ा मैं लोकल में लूँ, क्योंकि शर्ट मैंने महंगी ले ली और मुझे बस बर्थडे में ही पहनना। और ज़्यादातर ये होता है कि मैं कपड़े ले लेती हूँ, फिर मेरा दोबारा पहनने में आते ही नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता कि बंदा दूसरी जगह किधर पहने। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने शर्ट थोड़ी एक्सपेंसिव ले ली तो मैं ट्राउजर थोड़ा सस्ता वाला ले लूँ। यहाँ पे तो हमें मिली, हाँ यहाँ तो हमें मिला ही नहीं ना, तो मैं चाह रही हूँ अब हम लोग दूर बराबर में एक और मॉल है, तो हम लोग वहाँ पर जाके ट्राई करें। इधर ये मेरी दोस्त है किरण, जो मुझे बहुत हेल्प कर रही है। बिल्कुल अनमैच है। तो अभी हम लोग उसी वाले मॉल में हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग एक और जगह ट्राई करें। तो मैं सुहाय पे चेक करती हूँ, सुहाय जो है ब्रांडेड शायद मिल जाए, क्योंकि ब्रांडेड शर्ट पे लोकल वो सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्राउजर्स मिल जाए क्या आपके पास स्टिच मैचिंग? देखो यार ये शर्ट देखो, इस शर्ट के हिसाब से मुझे चाहिए। ये जो बेज कलर है ना, इस बेज कलर के हिसाब का चाहिए बिल्कुल। गजब बेइज्जती है यार, व्लॉग में सिर्फ अपना बना रही हूँ, आपका नहीं बना रही। किस कलर में चाहिए? बेज में चाहिए। ये जो बेज कलर है ना, हाँ ये वाला कलर चाहिए। हाँ स्मॉल ही आएगा यार, मैं छोटी सी। मुझे नहीं लग रहा कि एग्जैक्ट कलर होगा, क्योंकि मैंने जहाँ से लिया ना तो ये वहीं से ही मिलेगी। इतना वो नहीं चाहिए नीचे से, क्योंकि ये गोल दामन है ना, गोल दामन पे ट्राउजर अच्छा लगेगा। अगर स्ट्रेट वो होती मेरी तो फिर सलवार अच्छी लगती। सही है, फिर आप ये वाली सलवार डन कर दे मेरी, ले लें आप, मैं आपकी शक्ल ले रही हूँ। मैं बस अब नहीं ले रही हूँ। तो भाई फाइनली सलवार मिल चुकी है मेरी। मैंने सोचा था कि मैं लोकल में कुछ लूँगी, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि शर्ट जो है ब्रांडेड है थोड़ी, तो वो कलर भी नहीं मिल रहा अब। तो फिर मैं सुहाय पे आई, तो फिर वो कलर थोड़ा बहुत 19-20 मिल गया। सॉरी नहीं, स्लीपर्स की कितनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। ये वाली नहीं अच्छी लग रही, ये वाली अच्छी लग रही है मुझे, वो भी अच्छी है, लेकिन लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मुझे अपने ड्रेस के हिसाब से कुछ मिल जाए। मेरे पास ऑलरेडी 3 से 4 चप्पल है, लेकिन ड्रेस के साथ मैच नहीं करेगी। इतने खर्चे, मतलब बर्थडे किसी और के और खर्चे मेरे। ये चेक करें आप, एक चप्पल पसंद आ गई है। क्या प्राइस है भाई इसके? बस यही प्राइस है, कम नहीं होंगे इससे यार, कम कर लो थोड़ा सा। चप्पल ले लिया आपने? हाँ जी। मैं लेने आई थी सिर्फ एक ट्राउजर, और लेनी है मैंने 3 से 4 चीज़ें। मतलब यही होता है हमेशा कि आप जब भी एक चीज़ लेने निकलो तो मॉल में आके हमेशा यही होता है कि आपको चीज़ें पसंद आ जाती हैं, और फिर आपको हमेशा अपने पैसे खाली करने पड़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी मेरा लंच ब्रेक चल रहा है, तो लंच ब्रेक मैं खाना लेकर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि हम लोग कुछ चाट वाट ट्राई करें। तो मैं और किरण आए हैं बाहर चाट खाने। मैं फ्राइज खाऊंगी, चाट नहीं। क्या दे रहे हैं आप? ये आपके पास जा रही होगी। ठीक है, मीठा ऐड करना? नहीं 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 नहीं, फुल स्पाइसी है, बना दिए।
ये लीजिए, ये देखिए माय स्वीट फ्रेंड चाट के साथ गोलगप्पे की मजे ले रही है। वाओ, मसाला केचप सब डाल लो अंकल, हंस के दिखा दे अंकल प्लीज। हाँ तो भाई फाइनली शॉपिंग वॉपिंग मैंने कर ली है, मुझे लेना कुछ था और मैंने ले कुछ लिया और उसके साथ भी कुछ ले लिया। अब मुझे जाना है सीधा यहाँ से बराबर से बराबर सिर्फ साया में, साया में मुझे इसलिए जाना है कि वहाँ पे मैंने एक ड्रेस देखा था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, और वो भी मेरे लिए नहीं, मुझे अपनी दोस्त के लिए लेना बिकॉज उसकी बर्थडे है। तो बर्थडे वाला सीन मैं आपको बाद में बताऊँगी क्योंकि उसका भी एक ब्लॉग आना है आप लोग के पास जल्दी। तो इसको मैं रख देती हूँ इसकी जगह पर और हम जल्दी जल्दी जाते हैं फिर साया में, उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जानी है। तो दो कदम पे साया था और साया पर मैं आ चुकी हूँ। साया पे अभी 40% ऑफ भी लगा हुआ है, तो ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मुझे बस जस्ट पिक करना है उसको, और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी अपनी कलेक्शन भी दिखा दूँ। तो यार इन में से मैंने उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट किया है ये वाला, ये मस्टर्ड वाला ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया है बिकॉज रीज़न इज दैट कि उसका कलर थोड़ा अट्रैक्टिव है, तो और अभी वैसे भी विंटर चल रहा है तो उस पर ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा। निकाल दें आप वाला ड्रेस, यहाँ पे आपको बहुत सारी कलेक्शन मिल जाएंगे। और अभी साया पे वैसे भी 40% ऑफ चल रहा है, तो ये प्रिंट सेकंड, ये मस्टर्ड कलर अभी बहुत ज़्यादा इन हुआ है सर्दियों में, लेकिन प्रिंट अच्छा नहीं है ये बिल्कुल भी। ये वाला प्रिंट चेंज कर दियो? नहीं, जस्ट प्रिंट दिखा रही हूँ ये तुम्हें मैं, जिसको भी मुझे गिफ्ट करना हो तो यार ये वाला प्लीज कर दो। फाइनली मैंने अपनी दोस्त के लिए भी शॉपिंग कर ली है जो कि उसका बर्थडे गिफ्ट है, एंड आई होप कि उसको ये बर्थडे ड्रेस पसंद आ जाए। तो हम आते हैं अब अपनी बात पे कि ये थी मेरी रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ पूरे दिन में शेयर करी कि मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये बाती हूँ और ये काम करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में हम क्या करेंगे कि मैं आपको अपनी शॉप का जो है विजिट करवाऊँगी, अपने शॉप के जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब बताऊँगी, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तब तक के लिए अब हम इजाज़त दें, उससे पहले सबसे पहले यार आपने मेरा चैनल करना है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और सबसे पहले आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी व्लॉग विद नबी अभी एक व्लॉग अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।